जम्मू कश्मीर आतंकी हमला पछरे पाकिस्तान रो हाथ निजोको दायी कला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ। गतकाली जम्मू कश्मीर रियासी रे एक तीर्थयात्री बस उपरे आतंकी हमला होइथिला। 6-7 जण मुखापिंधा आतंकवादी बस उपरे आखी बुजा गुलीमाड़ करथिले। चारिपटु घेरी जाए गुलीमाड़ करथिले। बस नियंत्रण हराइ बहु तळकु खातकु खसी पड़िथिला। खातक खसी पड़ा पर भी छाड़ नथिले आतंकवादी समस्त यात्री को हत्या करने को गुलीमाड़ जारी रखिथिले। तेबे एथिरे 10 जण प्राण हरैथिबा बेले 33 जण आहत होइछंती। आहत मानंकु स्थानीय मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। तीर्थयात्री माने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यर बोली जणा पड़िछि। आतंकी हमला परे स्थानीय अंचल रे सर्च ऑपरेशन जोरदार करा जाइछि। घेराबंदी करी सर्च ऑपरेशन करुछि सेना। गाड़ी मोटर तन्न तन्न जांच करा जाउछि। सर्च ऑपरेशन पई जंगल अंचल रे ड्रोन मुतयन होइछि। हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन रे मध्य शामिल होइछि। घटनास्थल रे फोरेंसिक साइंस टीम पहुंची तदंत करुछि। सेबड़ मृतकंक परिवार को 10 लाख आहतंक 50,000 सहायता राशि घोषणा करिछंती जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा। एहस डाक्टरखाना रे आहतंक भेटिछंती मनोज सिन्हा। समस्तंक स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिछंती। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। हमें 9:30 बजे करीब सूचना मिली थी। जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा जो कॉल आया था हमें, पवन ने खुद ने नंबर दिए थे और उसने बताया कि ऐसा हादसा हो गया है और मुझे तो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जो वाइफ है और बच्चा है उसका मुझे पता नहीं है। मतलब वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। टेस्ट अपडेट यही है कि पवन जो है उसके तो माइनर फ्रैक्चर है और जो उसकी वाइफ है और बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है। हम तो देश की सरकार और राजस्थान की सरकार से यही चाहते हैं सबसे पहले तो कि पहले तो उनको यहाँ जो लाने की उचित व्यवस्था की जाए, शीघ्र से शीघ्र यहाँ लाया जाए और बाकी जो प्रशासन और देश की सरकार है वो उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं को रोकने की बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी। आम नागरिक तो क्या करेगा। शाम को 9:30 बजे के आसपास हमारे पास रेस्क्यू सर से कॉल आया था और पवन ने ही नंबर दिए थे उनको और चाचा जी के पास कॉल आया था। उसके द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि इस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और जो उनका बच्चा था वो और जो उनकी वाइफ थी वो भी उनके साथ ही थी, लेकिन अब जब उनको अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया था तो उसके बाद उसमें उनके दो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी पवन से मेरी बात हुई थी रात को 12:30 बजे और रात को 3:30 बजे के आसपास वैष्णो देवी के गए थे। वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ रहे थे उस वक्त ही वो और कहीं शिव जी के मंदिर में जाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी सर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी साजिश वो आगे कभी नहीं होने देंगे। तो वो नारायण हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर रूप से घायल है और उनकी पत्नी और बच्चा लेवांश, पत्नी पूजा सैनी, उनकी मृत्यु हो गई। दो रिश्तेदार भी हमारे चौमू के हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये कार्यतापूर्ण जो हरकत की है, एक हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला कार्य किया, एक सोची समझी साजिश थी तो उसके तहत इन्होंने हमला किया। हम कड़े शब्दों से इनकी निंदा करते हैं। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे जो बच्चे गए मृत है जो जिंदा है उनको जल्दी से जल्दी जयपुर लेके आए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया, डिप्टी सीएम साहिबा को भी अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को मैंने एक मेल भेजा है। मैंने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी विशेष विमान के द्वारा हमारे बच्चों को यहाँ जयपुर में लेके आए।